जब कोई भी ऊंची बिल्डिंग बनाने की बात आती है, तब किसी भी उपकरण में टावर क्रेन सबसे ज्यादा जरूरी मशीन है। ये मशीन पूरे शहर के आसमान में राज करता है। बड़ी मशीन और मटेरियल्स को लिफ्ट करने के लिए ये क्रेन बहुत ही कारगर होती है। ये बिल्डर्स के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। जबकि शहर में एक के बाद एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती जा रही है, हर वक्त करीब 1,00,000 क्रेन कार्यरत होती है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इसे देखना आम बात है, लेकिन एकाएक वहां कैसे इतनी ऊंची क्रेन बन जाती है? ज्यादातर टावर क्रेन एक दूसरी मोबाइल क्रेन से बनाई जाती है, लेकिन गगनचुंबी इमारत बनाते वक्त मोबाइल क्रेन काम नहीं आती और इतनी लंबी क्रेन होती नहीं। कई सारे प्रोजेक्ट्स में इस क्रेन को कई अलग अलग भाग में बनानी पड़ती है, जिससे कि वो इमारत के साथ साथ बनती जाए। तो इस क्रेन को खुद को ही बिल्डिंग के हिसाब से बनाना पड़ता है और इस प्रोसेस को क्लाइंबिंग कहा जाता है। क्लाइंबिंग का मतलब है कि क्रेन का एक भाग हटाना या फिर जोड़ना, जिसे कि क्रेन अपने हिसाब से खुद का कद बढ़ा या घटा सके। क्रेन बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले एक मजबूत फाउंडेशन बनाने से होती है। एक बड़ा सा कंक्रीट स्लैब। जब कंक्रीट ठोस और मजबूत हो जाए, फिर उसके ऊपर एक स्टील का सेक्शन खड़ा किया जाता है। फिर उसके ऊपर कई स्टील के सेक्शन फिट किए जाते हैं, जिसे मास्ट कहते हैं। उस मास्ट के ऊपर एक स्लूइंग यूनिट फिट किया जाता है। इस यूनिट की मदद से क्रेन घूम सकती है। ये ऑपरेटर केबिन के लिए बेस की तरह काम करता है। कैच हेड पहला भाग है, जो कि इस स्लूइंग यूनिट के ऊपर इंस्टॉल होगा। बाद में काउंटर जीब और वर्किंग जीब इंस्टॉल होगा। इसे एक स्टील टाई से जोड़ा जाता है। एक काउंटर वेट काउंटर जीप में बढ़ाया जाता है, जिससे क्रेन का संतुलन बने रहे। हुक के रेडियस को एडजस्ट करने के लिए ट्रॉली सिस्टम लगाई जाती है। जब भी किसी क्रेन का कद बढ़ाना होता है, तब एक क्लाइंबिंग फ्रेम क्रेन के निचले हिस्से पे इंस्टॉल किया जाता है और उसे स्लूइंग यूनिट के नीचे चढ़ाया जाता है। क्लाइंबिंग यूनिट की चार दिशा में से एक खुली हुई होती है, जिसमें से क्लाइंबिंग सेक्शन गुजर सके। ऊपर वाला भाग स्लूइंग यूनिट से जोड़ दिया जाता है। हाइड्रोलिक जैक नीचे पुश यूनिट पे रखा जाता है। फिर एक नया मास्ट ऊपर लाया जाता है। क्लाइंबिंग यूनिट को जैक की मदद से मास्ट की हाइट जितना उठाया जाता है, ताकि मास्ट आसानी से अपनी जगह पर फिट हो सके। इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है, ताकि क्रेन को अपने काम के हिसाब से लंबा या छोटा किया जा सके।